तो क्या हाल है दोस्तों, ब्लडी टैक्स के एक बहुत ही कमाल के खौफनाक एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं निखिल। मैं जिया। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आप लोगों के सामने एक ऐसा चैलेंज लेके आ गए हैं जो कि बहुत सारे लोगों ने हमसे कहे करने के लिए और बहुत ज्यादा खौफनाक चैलेंज भी है। ये चैलेंज को हम काफी दिनों से नहीं कर रहे थे क्योंकि हम अपनी कुछ तैयारियों में कुछ काम में लगे हुए थे अपनी कुछ सीरीज को लेकर। खैर आज मौका आ चुका है वो खौफनाक चैलेंज करने का और वो चैलेंज है कैंडीमैन चैलेंज। कैंडीमैन चैलेंज में आपको जरूरत पड़ती है कैंडल की, एक लाइटर की और एक मिरर की। तो दोस्तों ये जो चैलेंज होता है ना ये ब्लडी मैरी से मिलता जुलता है लेकिन ये है बिल्कुल अलग। इसकी कहानी की बात मैं करूं तो आज से बहुत साल पहले जब मतलब स्लेव्स का जमाना चलता था, मतलब लोगों के पास स्लेव होते थे, काम करने वाले गुलाम होते थे, तो उस समय लोग क्या करते थे अपने गुलामों से हर तरह के काम कराते थे। उसी तरह ये जो कैंडीमैन है उसका असली नाम कैंडीमैन नहीं था, उसका नाम एल्बर्ट समथिंग था। तो एल्बर्ट ना किसी एक आदमी के फार्म हाउस में, मतलब एक उसका फार्म था, फार्म हाउस में एक फार्म था, मतलब एक तरीके का खेत या बगीचा समझ लो, वहां पे वो प्लांटेशन का काम करता था। तो क्या हुआ एक बार वो जो प्लांटेशन जहां पे करता था, जो फार्म था, उसके मालिक ने ये एल्बर्ट से कहा कि तुम मेरी बेटी की तस्वीर बनाओ, मतलब ड्रॉइंग बनाओ। वो तैयार हो गया, गुलाम था उसे तो करना ही था। बेटी उससे रेगुलर मिलने लगी, उसकी ड्राइंग बनाता चला गया। काफी दिन गुजर गए, दोनों का मिलना जुलना इतना ज्यादा हुआ कि दोनों के बीच में हो गया प्यार। अब जब इस बात की खबर वो बेटी के बाप को पता चली, मतलब जो फार्म का मालिक था उसको पता चली कि मेरी बेटी के साथ तो मेरे गुलाम का ही चक्कर चल रहा है, तो उसका बिल्कुल दिमाग खराब हो गया। उसने अपने बहुत सारे गुलाम एल्बर्ट के पीछे छोड़ दिए उससे मारने के लिए कि मतलब जाओ इसे मार डालो, खत्म कर दो इस दुनिया से। तो फिर उसके बाद जो गुलाम था वो बहुत भागा, बहुत सारे लोगों को अपने पीछे भगाया, उन्हें थकाया और फिर आखिरकार एक खेत में जाके बैठ गया, थक गया था बहुत ज्यादा। तो जब बहुत सारे लोगों की भीड़ ने उसे देखी कि वो तो वहां छुपा हुआ है, उसके पास गए, कुछ भी नहीं बोले, डायरेक्ट जाके सीधा उसका हाथ काट डाले, सीधा हाथ काट लिए और फिर उसे नॉन स्टॉप बहुत मारे, इतना मारे कि वो बेहोश जैसा होने लगा। लेकिन उसे बेहोश नहीं होने दिया, उसके पूरी बॉडी में शहद ही शहद डाल दी, जो हनी होता है ना उसकी पूरी बॉडी में हनी डाल दी, उसे शहद से नहला दिए लिटरली, पूरा चिपचिपा, पूरा भीग गया। यही रीजन है कि उसका नाम कैंडीमैन पड़ा। कैंडीमैन भी कैसी मीठी मीठी सी होती है ना, कैंडी जो होती है मीठी होती है, तो इसी वजह से उसे कैंडीमैन कहा जाने लगा। लेकिन इसके बाद क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। उसकी पूरी बॉडी में शहद डाल दिए तो उसका जो हाथ कटा था उसमें कितनी ज्यादा जलन हो रही होगी, आपका हाथ कहीं कटे और आप उसमें थोड़ा शहद गिराओ आपको बहुत जलन होगी, और उसका तो लिटरली एक हाथ अलग कर दिए थे उसकी बॉडी से और वहां पे ज्यादा तड़पाए थे उसको, बहुत हाँ, अलग बात है। और फिर उसे उसको खींच के लेके गए और एक मधुमक्खी के छाते के पास खड़ा कर दिए, मधुमक्खी के छाते को पत्थर मारे और उड़ते उड़ते मधुमक्खी सीधे उसी आदमी के ऊपर आई, बाकी सब तो बच गए लेकिन उसी के ऊपर आई क्योंकि उसकी बॉडी में था शहद पूरा, है ना, एल्बर्ट की बॉडी में शहद था तो मधुमक्खी अट्रैक्ट जो होगी वो शहद से ही सबसे पहले अट्रैक्ट होगी। उसके ऊपर बैठी ना जाने कितनी मधुमक्खी थी, उसे काट काट के मार डाली। ये ना बहुत बहुत ज्यादा गलत हुआ उसके साथ, मैं सीरियसली बता रही हूँ, मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। बेचारे के साथ मतलब क्या गलती थी, उसमें उसकी लड़की की भी गलती थी, बेचारे क्या गलती थी जो उसके साथ ऐसा किया। माना जाता है कि उस दिन से ही ये, मतलब जब किसी की गलती नहीं रहती और कोई भी उसे मार डालता है ऐसे तो उसकी आत्मा भटकने लगती है, तो एल्बर्ट यानी कि कैंडीमैन की आत्मा आज भी इस दुनिया में पूरी भटकती है। और मिरर के सामने अगर खड़े होकर उसे हम न्योता देते हैं, बुलाते हैं, इन्विटेशन देते हैं तो वो हमारे पास आती है, शायद कई बार बात भी कर सकती है। तो लेकिन कुछ भी की बहुत रिस्पेक्ट करती हूं मैं, उसके साथ बहुत गलत हुआ। कुछ भी एक्सपीरियंस हो सकता है, गलत तो हुआ है लेकिन ये बहुत सारे चैलेंज लोग करते हैं और ना जाने कैसे कैसे चीजें फेस की हैं। इस चीज के ऊपर तो फिल्म भी बनी है, शायद 3-4 पार्ट में फिल्म बनी है, सीक्वल पे सीक्वल बने हैं। तो ये काफी ज्यादा फेमस टॉपिक, काफी ज्यादा फेमस रिचुअल और लगभग इसके बारे में सभी लोगों को पता है। अभी रात की आत्मा बहुत खौफनाक होगी। हाँ अभी आधी रात हो रही है, रात के बज रहे हैं 1, हम लोग इस चैलेंज को फटाफट शुरू करते हैं मिरर के सामने। पहले जिया करेगी फिर मैं करूंगा, देखते हैं कि उसकी आत्मा आती है और आती है तो कितनी खौफनाक रहती है, फिर कितनी नॉर्मल रहती है, क्या हमसे किसी तरह का कम्युनिकेशन बैठ पाता है, तो देखते हैं शुरू करते हैं। बहुत डर तो लग रहा है क्योंकि उसकी आत्मा बहुत खौफनाक होगी यार एक्चुअली, और डर तो इस बात का भी है क्योंकि हम लोग इतने हॉरर चैलेंजेस करते हैं, इतने हॉरर रिचुअल्स करते हैं कि हमने पूरे घर को हॉन्ट कर दिया है, इस नए घर को भी हॉन्ट कर दिया है, लेकिन हम लोग सिर्फ आपके लिए करते हैं ना, तुम रेडी हो जब तक।
हम लोग सिर्फ आपके लिए करते हैं ना, तो आप लोगों को क्या करने बोलता हूँ मैं हमेशा, वो कर दिया करो। मैं सिर्फ आपको लाइक करने बोलता हूँ वीडियो को, कमेंट में जरूर बताना कुछ भी चीज नोटिस हो अनयूजुअल, क्योंकि हमारा पूरा ध्यान वहीं पर रहेगा, हमारा ध्यान इसमें नहीं रहता है। पहली बार चैनल को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस तरह के रेगुलर वीडियोस हम लोग बनाते रहते हैं पैरानॉर्मल दुनिया से जुड़े हुए। तो जिया वहां पे पहुंच गई है, मैं आपको दिखाता हूँ, आइए। पहले ही से बहुत ज्यादा डर लग रहा है क्योंकि मेरे, मैं सोच सकती हूँ वैसे वो बहुत ज्यादा खौफनाक होगा, जितने भी हम चैलेंज किए हैं सबसे ज्यादा खतरनाक यही होगा शायद, हो सकता है क्योंकि पहले से दगदग चालू हो गया है मेरा अभी, ये काफी ज्यादा खौफनाक हो सकता है, मुझे भी ऐसा लगता है। मैं इसकी हाइट ले लेता हूँ स्टैंड की, है ना, और अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे पीछे आ जाता हूँ, है ना। आया प्लीज, ठीक है। अभी कैंडल जला लो। हाँ कैंडल जलाओ, अभी तक जला ही नहीं। अभी फिलहाल हम लोग अपने एक तरीके से अपने बेडरूम में हैं और यहाँ पे हम कर रहे हैं, स्टार्ट होते से ये होने लगा। हमने नोटिस किए होंगे कि किस तरह से फ्लिकर की है, कई बार कैंडल्स होती है, हर चीज का मतलब ये नहीं होता कि कुछ पैरानॉर्मल हो रहा है, कई बार कैंडल्स बुझने जैसी होती है लेकिन फ्लिकर नहीं करती, फ्लिकर करना थोड़ा अजीब है। तो जी स्टार्ट करते हैं, लगभग अभी जितनी रोशनी है मैं कम करके आता हूँ, शायद आपको विजुअल थोड़ा कम हो, कम सुनाई दे रहा है तो हेडफोन का यूज करो। मैं फटाफट गया लाइट ऑफ करके आता हूँ, घबराना मत, प्लीज जल्दी आना। मतलब मैं नहीं हूँ तो तुम वीडियो में कुछ बोलोगी नहीं, नहीं करो यार, मेरे को इतना, एक तो चैलेंज करने से पहले मुझे इतना डर लगता है, ऊपर से मैं क्या बोलूंगा। ठीक है चलो स्टार्ट करो। हाँ। पांच बार तुम्हें विंडो खोली हुई है, कैंडीमैन कैंडीमैन। तुम हमेशा आगे क्यों बढ़ जाती हो, पांच बार हो चुका है, शायद छह बार तुमने पढ़ दी हो और कुछ भी नोटिस नहीं हुआ। गाइस मैं आप लोगों को एक और चीज बता देता हूँ, इसमें मधुमक्खी उसके साथ आती है, जो बीज होती है मधुमक्खियां जो होती है ना उसकी पूरी बॉडी में जो आ गई थी, मैंने मधुमक्खी ही बोला था ना स्टार्टिंग में। हाँ मधुमक्खी थी। हाँ मैं भूल गया था मैंने क्या बोला, पता नहीं आज मेरा माइंड इतना कैसे ब्लैंक हो गया कि मैंने क्या वर्ड बोला था, मधुमक्खी ही थी, बीज जिसे हम कहते हैं। तो जब वो आता है कैंडीमैन इस रिचुअल को करने से, तो मधुमक्खियों की आवाज भी आती है और वो भी घर के अंदर एंटर करती है, इसलिए मैंने विंडो बंद कर दिया था। इन मैं मानता हूँ कि विंडो ओपन कर देना चाहिए कि कुछ भी होगा। निखिल नहीं यार देखो, हम लोग ये रिचुअल कर रहे हैं तो पूरी सही तरीके से करो, मेरा ये मानना है। अगर हम कमी छोड़ेंगे तो कोई मतलब नहीं बनता ना वीडियो बनाने का, इसलिए चलो अभी मैं करता हूँ, मैंने विंडो भी ओपन कर दिया हूँ, है ना। अब तुम इस तरह बस मुझे डर लग रहा है, यार चोट लगा, क्या हुआ, बहुत जोर से लगा, ऐसा लग रहा है। देखो कैमरा मत गिरा देना बस। ठीक है अभी मैं स्टार्ट करता हूँ, मजाक नहीं करते ऐसी चीजों में, स्टार्ट करता हूँ। कैंडीमैन 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 कैंडीमैन। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है गाइस, क्योंकि पता नहीं ऐसा क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे ये रिलेट करता हुआ लग रहा है, मुझे ब्लडी मैरी जैसा ही लग रहा है, क्योंकि आज तक हमारे ब्लडी मैरी वाला कोई भी कितनी बार किए होंगे हमने, करीबन चार पांच बार किए होंगे, और ब्लडी मैरी वाला हमारा कभी भी सही नहीं हुआ है, मतलब कभी भी उससे कोई स्पिरिट अट्रैक्ट हुई ही नहीं है। अरे? इतनी ज्यादा फ्लिकर क्यों कर रही है मुझे पता नहीं चल रहा है, आपको दिख रहा होगा कैमरे में तो बताइए, कुछ नोटिस हो रहा होगा तो वो भी बताइए गाइस प्लीज। मैं एक बार और ट्राई करता हूँ, देखते हैं कुछ अलग होता है क्या फिर से। जी एक काम और कर सकते हो तुम, वो लैंप भी ऑफ कर दो, लैंप ऑफ कर दो, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ जितना ज्यादा अंधेरा हो उतनी ही ज्यादा वो चीज की हमारे पास आने की वो बढ़े, गुंजाइश बढ़े। मुझे तो घर में भी जाने में डर लगेगा, तुम्हारा घर वैसे भी बाजू में तो भी ठीक है, अभी मजाक चल के जाना, अभी ज्यादा बात नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं फिर से। कैंडीमैन 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 कैंडीमैन। कुछ भी नहीं हुआ गाइस अब तक, जी एक बार और तुम करो।
मैं फिर से करूँ? फिर से करूँ। जब भी मुझे बोलता है करने के लिए मुझे बहुत डर लगता है यार, प्लीज तुम काउंट कर लेना। हाँ। मुझे पता नहीं, मैं मुझे करते ना पता नहीं क्या हो जाता, मुझे समझ में नहीं आता मैंने कितनी बार की, मैं गिन नहीं पाती हूँ। कैंडीमैन, 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 बस पांच बार हो चुका है जहां तक अगर मैं गलत नहीं हो तो। और मैंने ऐसे पकड़ी हूँ बिल्कुल, हाथ भी ऐसे करके। एक बार हम घर को देख लेते हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, अनयूजुअल तो नहीं हुआ। जी लाइट ऑन कर दो, क्योंकि नहीं एक सेकंड लाइट ऑफ ही रहने दो, हम देख लेते हैं। तुम्हारे साथ साथ आ रही हूँ। एक बार घर में घूम के देख लेते, कुछ भी अनयूजुअल तो नहीं है, कुछ भी अजीब तो नहीं है। निखिल स्मेल आ रही है अजीब सी, ये खाने की स्मेल है जी। खाने की नहीं है ये, तो यार इतनी गंदी स्मेल कौन से खाने की आती है? कैसे खाने, मतलब मुझे तो खाने की लग रही है, अलग से स्मेल है यार। इस रूम में भी कुछ कुछ मरा है क्या बाहर? बाहर चूहे के मरे जैसी आ रही है। इस रूम में आई मुझे थोड़ी सी अजीब सा लग रहा है। विंडो खोलो, विंडो। इस रूम में थोड़ा सा अजीब सी स्मेल आ रही है। मुझे ऐसा लगा चूहे के मरे जैसी कुछ स्मेल आ रही है। अजीब सी स्मेल आ रही है यार, पता नहीं ऐसी क्यों है। बंद कर दो, बंद कर दो। और खैर अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ है, है ना? तो मैं क्या कहूँ अब हम इस चैलेंज को यहीं पर ख़त्म कर सकते हैं, ये कुछ हुआ नहीं है। आई होप कि आपको भी कुछ नोटिस नहीं हुआ हो, क्योंकि हर तरह के चैलेंज को हम नहीं कह सकते ना कि भूतिया है। हाँ। लेकिन हाँ भूतिया नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी ट्राई करना शुरू कर दो। जैसा हमेशा कहता हूँ, डोंट ट्राई दिस, इसे अपनी मोबाइल स्क्रीन या कंप्यूटर स्क्रीन तक ही सीमित रहने दो। हम लोग है ना आपका एंटरटेन करेंगे, आपको क्या करना है, सिर्फ लाइक करना है। तो चलिए एक अगले बहुत ही खौफनाक एपिसोड में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।